बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। मंगलवार को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई। अब सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल जब बिहार पुलिस ने अंकिता से संपर्क किया तो उन्होंने बिहार पुलिस को कई बातें बताई। अंकिता ने बताया कि फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत ने उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था। अंकिता के मुताबिक फिल्म के लिए बधाई देने के बाद दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। इस दौरान सुशांत काफ़ी भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि रिया के साथ वो रिलेशनशिप में काफ़ी परेशान हो चुके हैं और जल्द ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। सुशांत ने बताया था कि रिया उन्हें बहुत परेशान कर रही है। ये सारी बातें अंकिता ने बिहार पुलिस को बताई है और सबूत भी दिया है। इन बातों का जो वो बातें उन्होंने कही है, उन बातों का उन्होंने सबूत दिया है। आपको बता दें कि अब बिहार पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। इस बीच अंकिता ने बुधवार को ट्वीट भी किया। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है, सच्चाई की जीत होती है। बता दें कि अंकिता कि सुशांत की विदेश में रहने वाली बहन से भी अच्छी ट्यूनिंग है। सुशांत की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने अंकिता दो बार पटना गई। वहां उन्होंने सुशांत के परिवार में किसी से सुशांत और अपना चैट शेयर किया, जिसमें सुशांत ने रिया को लेकर अपनी परेशानियां बताई थी। इसी के बाद से रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में आ गई थी। वही मामले में रिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने मांग की है कि बिहार में दर्ज FIR की जांच मुंबई ट्रांसफ़र की जाए, जहां पहले से ही मामले की जांच चल रही है। उनका कहना है कि एक मामले की जांच दो जगहों की पुलिस नहीं कर सकती। रिया के वकील सतीश ने बताया कि अब पहले से ही जांच मुंबई में चल रही है और इसकी पूरी जानकारी लोगों को है, तो ऐसे में बिहार में इसी मामले में एक ही घटना पर केस दर्ज करना गैर कानूनी है और बिहार पुलिस लगातार ही रिया चक्रवर्ती को ढूंढ रही है, पर रिया चक्रवर्ती कहीं नहीं है। छुप रही हैं रिया चक्रवर्ती, क्या बात है, क्यों छुप रही हैं? जब कोई गलती नहीं की है तो सामने क्यों नहीं आ रही हैं रिया चक्रवर्ती? बिहार में FIR के बाद इस केस को एक नई उम्मीद मिली है। सुशांत के घर वालों को, उनके फैंस को अब ये उम्मीद है कि सुशांत के साथ इंसाफ होगा। हम भी चाहते हैं कि सुशांत के साथ इंसाफ हो। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।